पहले दिनेश अब्रार के साथ मनसाजा और फिर प्रताप सिंह खाचरियावास की मां को देखने पहुंचे सचिन पायलट। राजस्थान के सियासी गलियारों में सोमवार का सचिन पायलट का राजनीतिक स्टंट सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है सचिन पायलट के साथ अब्रार और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच की पूर्व की अदावत। 2020 में रिजल्ट पॉलिटिक्स की वजह से पायलट के साथ अब्रार और खाचरियावास के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई थी। इसका असर इन नेताओं के राजनीतिक करियर पर भी देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं दैनिक ग्रीन न्यूज। अब्रार और खाचरियावास चुनाव हार गए तो पायलट राजस्थान की सियासत से दूर हो गए, लेकिन अब जिस तरह से पायलट इन नेताओं के साथ घुल मिल रहे हैं उससे चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर पायलट अपने पुराने करीबियों के साथ फिर से मेल मिलाप क्यों बढ़ा रहे हैं। सोमवार को सवाई माधोपुर के बोली में राजेश पायलट की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में पूर्व विधायक दिनेश अब्रार भी आए। अब्रार को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले सचिन पायलट से नाराजगी खत्म करने की बात कही। अब्रार इसके बाद मंच से पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बता दें, राजस्थान में एक वक्त था जब अब्रार को पायलट का करीबी नेता माना जाता था, लेकिन 2020 के रिजल्ट पॉलिटिक्स के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई। पायलट समर्थकों का आरोप है कि जब सचिन ने मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार की घेराबंदी की तो अब्रार पलटी मार गए। अब्रार इसके बाद पायलट कैंप से बाहर हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब्रार को सवाई माधोपुर से टिकट तो जरूर मिला, लेकिन पायलट ने उनके समर्थन में कोई रैली नहीं की। इन दूरियों का असर अब्रार के चुनावी परिणाम पर दिखा। अब्रार सवाई माधोपुर सीट पर बुरी तरह हार गए, वो भी तब जब यह सीट गुर्जर और मुस्लिम बहुल्य है। वहीं जयपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में सचिन पायलट की गोविंद सिंह डोटासरा के तंज के जवाब में की गई टिप्पणी, अब पता नहीं कौन किस कुर्सी पर बैठने वाला है, खूब वायरल हुआ। इस टिप्पणी के बाद पायलट जिस तरह से पुराने नेताओं को साध रहे उससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर पायलट राजस्थान में कौन सा समीकरण तैयार कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक ग्रीन न्यूज़। शुक्रिया।